खंडवा जिले के मानदेता विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तारीख नज़दीक आते ही सियासी घमासान तेज हो गया है। दोनों प्रमुख दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मानदेता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने 15 माह की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, अब चुनाव आया तो मैदान छोड़कर चले गए। शर्मा ने महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक राजकुमार मेव को अपने साथियों के साथ पुनः भाजपा में शामिल करवाया। ओंकारेश्वर के कांग्रेस के कई पदाधिकारी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि पूनम शुक्ला, पंकज जोशी, विजय दीक्षित ने कांग्रेस में त्यागपत्र देकर भाजपा सदस्यता ग्रहण की। मुंद्रे शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। बहुत बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी का, जिन्होंने पुनः मेरी गलतियों को समाप्त करते हुए और मुझे अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी में। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, क्योंकि दिल से, मन से, कर्म से मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। चाहता तो हम जीतेंगे ही, पर बाकी की भी 27 सीटें हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत 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 बहुमत के साथ आने वाली। अंदर कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है, आज मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोल दी है और उसका आप देख रहे होंगे कांग्रेस का जो नेतृत्व है। राहुल गांधी ने कमलनाथ से कहा कि माफी मांगो, उसका गुरूर और घमंड इतना है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक दलित महिला के अपमान पर और उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफी मांगूं। आज तो हद जब हो गई जब केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहाँ भेज दिया चुनाव प्रचार के लिए। मैंने कहा कि चाहे छत्तीसगढ़ को भेजो, चाहे राजस्थान को भेजो, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का नेतृत्व क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुका है। मध्य प्रदेश की जनता इस चुनाव में आपको बहुत ताकत के साथ दिखाएगी, आपके गुरूर और घमंड को चूर करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।